दोस्तों भारतीय दूरसंचार विभाग की एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस की एक वेबसाइट है। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स, इस वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, आपकी आईडी पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिवेट हैं, और फ्रेंड्स आपके नाम पर कितने नंबर चल रहे हैं। यह जानने के साथ साथ आप इस वेबसाइट से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। आपके यहाँ पर जो भी नंबर शो होंगे उनमें से यदि कोई भी नंबर आपका नहीं है या फिर आप उसे यूज नहीं करते हैं तो आप यहां से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं इस वेबसाइट के बारे में और पता कर लेते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे नाम पर कितने नंबर जो है वो एक्टिवेट हैं या फिर चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं हेल्प की दुनिया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आपके नाम पर या फिर आपकी आईडी पर कितने नंबर चल रहे हैं, कितने सिम कार्ड एक्टिवेट हैं, यह जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है टैप कॉप। चलिए मैं टाइप कर देता हूं। देखिए, इस प्रकार से आपको टैप कॉप लिख देना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च रिजल्ट हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहली वाली वेबसाइट ही आप देख सकते हैं, टैप कॉप कंज्यूमर पोर्टल, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए वेबसाइट हमारे सामने इस प्रकार से ओपन हो जाती है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और यह दूरसंचार विभाग की है, इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने नंबर जो हैं वो चल रहे हैं, आपकी आईडी पर कितने नंबर जो हैं वो एक्टिवेट हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए वेबसाइट का इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो यहां पर इंटर योर मोबाइल नंबर का एक बॉक्स हमें मिल जाता है, यहां पर हमें वो वाला नंबर एंटर करना है जो नंबर हमारे नाम से है, हमारी आईडी पर है। तो चलिए यहां पर मैं नंबर जो है वो टाइप कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने नंबर टाइप कर दिया है, उसके बाद नीचे ऑप्शन आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट ओटीपी। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं रिक्वेस्ट ओटीपी पर। और फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं ओटीपी हमारे नंबर पर भेज दिया गया है। देखिए कुछ ही देर में हमारे पास ओटीपी आ जाता है, यहां पर हम ओटीपी को एंटर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ओटीपी फिल करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है वैलिडेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। देखिए यहाँ पर तीन नंबर, देखिए सोइंग थ्री नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर तीन नंबर जो है वो मेरे नाम से एक्टिवेट है और तीनों नंबर यहाँ पर देखिए आ रहे हैं और इन तीनों नंबर को मैं ही यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी प्रकार से डिटेल हमारे सामने आ जाती है। और फ्रेंड्स, प्रत्येक नंबर के नीचे आपको तीन ऑप्शन भी मिल जाते हैं, दिस इज नॉट माय, नॉट रिक्योर्ड और रिक्योर्ड, तीन ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाते हैं। यदि यह नंबर आपका ही है तो आप रिक्योर्ड पर क्लिक कर सकते हैं, और यदि यह नंबर आपका है लेकिन आप इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो नॉट रिक्योर्ड पर क्लिक करके रिपोर्ट कर सकते हैं। और पहला वाला जो ऑप्शन है दिस इज नॉट माय, यहां पर जो नंबर शो हो रहा है यह आपका नहीं है तो दिस इज नॉट माय पर क्लिक करके फ्रेंड्स आप जो है वो नीचे रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे एक नंबर आपको दिया जाएगा, ऊपर नोटिफिकेशन में आ जाता है नंबर, उस नंबर को आपको नोट कर लेना है। और यहां पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स आपको मिल जाता है, इस पर वह नंबर डालकर आप जो है वो डिटेल देख सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी, रिपोर्ट की थी, उसका स्टेटस आप जो है वो यहाँ से बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। देखिए यहाँ से आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, आपका जो भी नंबर है यदि आप उसे यूज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं यूज कर रहे हैं तो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और यदि आपका नंबर है ही नहीं और आपके नाम पर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से दिस इज नॉट माई पर क्लिक करके जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप जो है देखिए यहाँ पर पता कर सकते हैं कि आपकी आई डी पर कितने नंबर जो है वो एक्टिवेट हैं, कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।